अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी पनीर की मज़ेदार सी रेसिपी। इस रेसिपी को यूनिक टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए और इसे बहुत ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा। कोई भी ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, शाह ज़ीरा या फिर नॉर्मल ज़ीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 काजू, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च 6 से 7। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप नॉर्मल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा पनीर का। तो हम इसे 2 से 3 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते, भून लेते हैं। जब ये मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के बाद हम मिक्सी के ग्राइंडर में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर, रफली चॉप किए हुए। अब इसको अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल बारीक सा हमें पेस्ट इसका तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये बहुत ही बारीक सा है। तो हम इसको साइड में रखते हैं। इन मसालों की ज़रूरत हमें बाद में है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको क्यूब में मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से हमें पीसेस में कट करके रख लेना है पनीर को। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो हम पनीर को शैलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर फ्राई हो रही है। दोनों साइड हमें चेंज करते रहना है ताकि ये दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाए। हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसे फ्राई करना है। वही पैन में मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई, तो मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी मिर्च है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। जैसे ही मसाला भून जाए तो हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे, जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले जो लगे हैं वो साफ़ हो जाए। हम इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा गरम मसाले का। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही, और इसे एक ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, स्टर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। तो हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी अपने हिसाब से आप पानी ऐड करिएगा, जितनी आपको ठीक चाहिए। पनीर की पीसेस को मैं ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी हमारी 2 से 3 मिनट अच्छे से पक चुकी है। हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी का, तो ये ज़रूर ऐड करिएगा आप। 1/2 टीस्पून चाट मसाला। हरी मिर्च से हम इसे गार्निश कर देंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी ग्रेवी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, नॉर्मल है। इसको चपाती या फिर पराठे के साथ सर्व करिए, या फिर राइस के साथ। हमारी गर्मा गर्म पनीर ग्रेवी तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही शानदार सा, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। आई होप आपको पसंद आने वाला है। तो इस रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।